प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और इसे सार्वजनिक ना किया जाए। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सिविल जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर जल्दबाजी में सर्वे का आदेश दिया और उनके पक्ष को सुने बिना कार्रवाई शुरू कर दी। 19 नवंबर को सिविल जज ने सर्वे का आदेश दिया, जिसके तुरंत बाद एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिद का सर्वे शुरू कर दिया। इससे लोगों में तनाव बढ़ गया, जो हिंसा में बदल गया। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत होगी, दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में अपील करने की सलाह दी और कहा कि हाई कोर्ट इसे 3 दिन के अंदर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सिविल जज की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। अब सवाल यह है कि इस मामले में आगे क्या होगा? क्या हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी की याचिका पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगा और क्या यह विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझेगा? आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तनाव को कम कर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे।